अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद ज़ोरा एंड लॉग। आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, मज़े में हूँ। तो आपको टाइटल देखे तो पता लग गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ अपना मोबाइल लेने, क्योंकि मेरा मोबाइल हो गया था ख़राब। तो हस्बैंड ने कहा कि ना न्यू मोबाइल ले लो आप। तो हम जा रहे हैं इस वक्त मोबाइल देखने, अब देखते हैं कौन सा पसंद आता है, क्या लेते हैं। बस थोड़े से देर है बस, और मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि बस जल्दी से मैं अपना मोबाइल ले लूं। और ये हम आ गए हैं फाइनली एक्स्ट्रा। यहाँ पे सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपको मिल जाएंगे। तो ये देखें, मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ये हवावी का हॉनर, हवावी हॉनर मोबाइल है। सब मैं देख रही थी के कौन सा लूँ। ये न्यू लॉन्च हुआ है हवावी का नोवा नाइन वाई नाइन। और ये भी मुझे अच्छा लग रहा था, हस्बैंड को ये कहते रहे, और मेरी सिस्टर भी साथ गए थे, हम लोग ये देख रहे थे, बोलते अच्छा है बहुत। लेकिन जो इसका बैक का मुझे थोड़ा सा हल्की क्वालिटी का लग रहा था, लेकिन अच्छा था देखने में और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। बस थोड़ा कवर मुझे इतना ख़ास नहीं लगा था, मैंने कहा कोई और देखते हैं। बस अभी हम जो है ना मोबाइल देख रहे थे, और अब देख ये देख रही थी कि मैं इसमें कितनी MG वगैरह है, और 5G 4G, ये सारी मतलब पूरी डिटेल जो है ना पढ़ रही थी मैं इसके बारे में। तो ये अगर आप लेना चाहें, ये अभी न्यू लॉन्च हुआ है तो आप ले सकते हैं ये वाला मोबाइल। ये हर जगह एक्स्ट्रा जरूरी हर जगह मिल रहा है, और अच्छा है क्वालिटी। अंदर जो है वो कैमरा का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। बस मुझे पीछे का जो बैक है उसकी जो कवर है बिल्कुल थोड़ी हल्की लाइट वेट की लगी थी, तो फिर मैंने इस वजह से नहीं लिया। लेकिन वैसे अच्छा है ये मोबाइल। और ये सारे हवावी के नोवा 9, इस तरह अलग अलग जो है ना इनके मॉडल्स से। तो मैं यही देख रही थी कौन सा लूँ। और जब आप मोबाइल लेने जाते हैं तो आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि आप लें कौन सा। बस मैं अभी यही देख रही थी। और एक्स्ट्रा में भी अच्छे मोबाइल मिल जाते हैं, यहाँ पे भी ऑफर लगी हुई थी आपको, यहाँ पे रिजनेबल प्राइस में मिल। तो यहाँ पे सारे जो है हवावी हॉनर इसके मोबाइल रखे हुए थे, और यहाँ पे जो है ये आ गए सैमसंग गैलेक्सी। और यहाँ पे सारे सैमसंग के मोबाइल थे, यहाँ पे ये भी बहुत अच्छे थे और इनके रिज़ल्ट भी अच्छे थे। बस अभी हम जो है डिसाइड कर रहे थे बस कौन सा ने। और फाइनली मैंने जो है अपना मोबाइल जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, और मैंने नेट पे इसको सर्च करा था और मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा था, तो वही मोबाइल जो है हस्बैंड ने मुझे लेके दिया। मैंने दूसरा मोबाइल देखी थी, क्योंकि जो मैंने पसंद करा था वो मुझे मिल ही नहीं रहा था। तो फाइनली मुझे मेरा जो पसंद करा था वो मोबाइल यहाँ पे मिल गया था। और जो है ना दिया था, अब हम जा रहे थे घर, और घर जाके मैं आपको अनबॉक्सिंग करती हूँ। तो ये है मेरा मोबाइल, और मुझे उसको देख के इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी। जो मैंने पसंद करा था वो मुझे मिल गया था, सैमसंग गैलेक्सी FE20। तो ये मोबाइल हस्बैंड जो है अनबॉक्सिंग करें, मैंने कहा आप ये अनबॉक्सिंग करें। तो ये है, और इसका कलर है पिंक। इसका लेवेंडर जो है ना, लेवेंडर स्काई कलर है इसका, और बहुत ही अच्छा कलर था इसका, बहुत ही अच्छा शाइनिंग वाला। और इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है। और इसकी इसकी जो जो कॉस्ट थी वो थी 3000 SR, और मुझे यहाँ पे मिलता 1500 SR में, ऑफ़र में मिल गया था ये मोबाइल। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी इस मोबाइल को देख कर। और यहाँ पे मैं ओपन कर रही हूँ इसको, और बहुत, क्योंकि मुझे व्लॉगिंग में भी मसला हो रहा था, तो अब जो है मैं इसी मोबाइल से आप लोग को व्लॉग बना के शेयर करूँगी। और आप मुझे लाजमी बताइए कैसा इसका रिज़ल्ट है, मैं आप व्लॉग बना के शेयर करूँगी आप लोग के साथ। और यहाँ पे जो हस्बैंड साहब मोबाइल को ऑन कर रहे थे, सेटिंग वगैरह कर रहे थे इसकी, तो अब जब सेटिंग कर लेंगे तो फिर मैं आपको उसका लुक दिखाऊँगी कैसा है ये। और
साथ चार्जर और इसकी केबल वगैरह सब साथ आई थी। बस यहाँ पे जो है सेटिंग कर रहे थे हस्बैंड, और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट वगैरह है। अब जब ओपन होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। और शायद भी साथ में एक्साइटिंग रहते हैं, मम्मा आपका ये मोबाइल आ गया है, तो बच्चों को भी बहुत एक्साइटमेंट होती है। और ये देखिए इसका बहुत ही अच्छा कलर है, इसका स्काई लेवेंडर है। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।